गुजरात चुनाव प्रचार में राहुल मोदी मॉडल पर लगातार हमला कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी को आर्थिक आंकड़ों की समझ नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। गुजरात में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मोदी सरकार पर जोरदार हमला लगातार बोल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। नकवी साहब, साफ तौर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा कि जिस तरह से जीएसटी को लेकर गबर सिंह टैक्स और कई बातें कही जा रही है, क्या एक बात बता दें हम आपको, देश के प्रोग्रेस पर पलीता लगाने का एक तरफ पराक्रम चल रहा है और एक तरफ जो है वो देश के प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने का परिश्रम। तो देश के प्रोग्रेस पर पलीता का लगाने का पराक्रम और देश के प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने का परिश्रम, तो निश्चित तौर से देश की जनता और देश इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि वो लोग जिन्हें विकास से नफरत है, जो विकास को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते, जो नहीं चाहते थे कि देश का विकास हो, देश का गरीब, देश का कमजोर तबका, देश का पिछड़ा तबका, देश का मध्यम श्रेणी का तबका विकास की धारा में जुड़े, तो उन्हें हजम नहीं हो रहा है इस तरह का पॉजिटिव माहौल और इसलिए जो है वो देश के प्रोग्रेस पर पलीता लगाने का पराक्रम कर रहे हैं। लेकिन उनके देश पे प्रोग्रेस पर पलीता लगाने का पराक्रम हमारे देश के प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने का परिश्रम जो है वो डोमिनेट करेगा और खत्म करेगा इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल पाखंड को। नकवी साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है राहुल गांधी द्वारा कि आंकड़ेबाजी केवल सरकार कर रही है, देखो आंकड़ेबाजी समझने के लिए भी अकल चाहिए ना। अब जो अकल से ही पैदल हो तो उसको क्या हम कर सकते हैं, उसका कोई इलाज तो है नहीं। अकल जो है वो नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब वो जो आजकल जो है उनके कोई स्क्रिप्ट राइटर ने कुछ लिख दिया है उसकी वो नकल करते हैं तो नजर और भी हास्य का पात्र बन गए हैं, मजाक का पात्र बन गए हैं वो। ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से बातें कर रहे हैं कहीं न कहीं साफ दिखाता है कि उसमें राजनीति है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। सीधा सीधा कहना कि राहुल गांधी को आंकड़ों की समझ नहीं है, यहां लेना होगा।